Welcome to the Imran Academy. I am discussing with you chemistry of 11th class, Punjab textbook board, Lahore. Unit 1, the name of the unit is basic concepts. तो इसमें हम इसकी एग्जांपल प्रॉब्लम्स करेंगे. तो पहली एग्जांपल प्रॉब्लम जो है वो एवरेज एटॉमिक मास के बारे में है. तो एग्जांपल प्रॉब्लम क्या है कि अ सैंपल ऑफ नियोन इज फाउंड टू बी कंसिस्टिंग ऑफ 20 Ne10, 21 Ne10, 22 Ne10. यानी ये तीन हमारे पास नियोन के आइसोटोप्स हैं और इनकी परसेंटेजेस ये दी हुई हैं 90.92%, 0.26%, 8.82% रिस्पेक्टिवली. यानी इसकी ये परसेंटेज है, इसकी परसेंटेज ये है और इसकी परसेंटेज ये है. और इसमें हमने करना है कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियोन. तो एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेजेस को एटॉमिक मासेस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो फर्स्ट यानी 20 एटॉमिक मास वाला नियोन जो है उसका परसेंटेज ये था 90.92 प्लस 21 वाला एटॉमिक मास वाला एटम जो है उसकी परसेंटेज 0.26 है प्लस 22 वाला जो है उसकी 8.82 है. डिवाइड हमने 100 से कर दिया और इन सब को अलग अलग कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर और बाद में इन सब को ऐड कर लिया. ऐड करने के बाद 100 से डिवाइड किया है तो ये हमारे पास फ्रैक्शनल एटॉमिक मास फाइंड हो गई नियॉन की. चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 जो है उसमें 8.657 ग्राम्स ऑफ अ कंपाउंड वर डीकंपोज्ड इनटू इट्स एलिमेंट्स एंड गेव 5.217 ग्राम्स ऑफ कार्बन, 0.962 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2.478 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. यानी एक कंपाउंड है हमारे पास और उसे हमने डीकम्पोज कर लिया है, उसको ब्रेक डाउन किया है और उसमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स जो निकले हैं और इनके ग्राम्स इतने हैं. ये कार्बन के 5.217 ग्राम्स हैं, हाइड्रोजन के 0.962 ग्राम्स हैं और ऑक्सीजन के 2.478 ग्राम्स हैं. कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड अंडर स्टडी. तो इनकी परसेंटेज फाइंड करनी है. तो परसेंटेज फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट इन वन मोल ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड. तो कार्बन की हम परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए मास ऑफ कार्बन लेंगे डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये परसेंटेज हमारे पास आ जाएगी. यानी कि यहाँ पर स्पेस की कमी, ये 100 यहाँ पे आ जाएगी. तो वैल्यूज पुट कर देते हैं. कार्बन की परसेंटेज दी हुई है, मतलब फाइंड करने के लिए कार्बन की जो मास ग्राम्स में दी हुई है वो 5.217 ग्राम्स है और कंपाउंड की जो मास दी हुई है वो है जी 8.657 ग्राम्स. मल्टीप्लाई 100 से किया तो ये हमारे पास परसेंटेज 60.26 आ गई. इसी तरह से हाइड्रोजन की निकालनी है. परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100. मास ऑफ हाइड्रोजन इज दिस 0.962 ग्राम्स ओवर मास ऑफ द कंपाउंड इज 8.657 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 100 और इससे हमारे पास 11.57
1.1% ये आ गई। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हम फाइंड कर सकते हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मास ऑफ ऑक्सीजन हमने ग्राम्स में ऊपर लिख ली, 2.478 ग्राम्स ओवर 8.657 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आ गया हमारे पास 28.62%। तो ये हम बस यही फाइंड करना चाह रहे थे कि इनकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होगी। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हमने परसेंटेजेज फाइंड कर ली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू एम्पिरिकल फार्मूला। ये एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड प्रॉब्लम है। एम्पिरिकल फार्मूला आपको पता है, सिंपलेस्ट फार्मूला। अच्छा जी, एग्जाम्पल 3 में क्या है जी, एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी कंटेन्स 40.92% कार्बन, 4.58% हाइड्रोजन एंड 54.5% ऑक्सीजन बाय मास। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड? तो एस्कॉर्बिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला हमने फाइंड करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राम एटम्स फाइंड करेंगे इनके। हर एलिमेंट के ग्राम एटम्स फाइंड कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन की जो मास दी हुई है, गिवन मास, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं इसकी एटॉमिक मास से। तो गिवन मास इसकी है 40.92 ग्राम्स, जबकि इसकी एटॉमिक मास होती है 12 ग्राम पर मोल। तो इसको इससे डिवाइड किया तो ये मेरे पास, ये इसका ग्राम एटम्स आ गया जी 3.41 ग्राम्स। सिमिलरली नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन भी इसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गिवन जो क्वेश्चन में हमें गिवन है हाइड्रोजन का मास, वो है जी 4.58 ग्राम्स, जबकि इसका एटॉमिक मास जो होता है वो है 1.008 ग्राम्स पर मोल। इसको इससे डिवाइड किया तो हमारे पास 4.54 ग्राम एटम्स हमारे पास इसका मास आ गया, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ गए हमारे पास। सिमिलरली नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड कर लेते हैं। तो गिवन मास जो है ऑक्सीजन की इन द क्वेश्चन इज 54.5 ग्राम, जबकि इसका एटॉमिक मास जो है वो 16 ग्राम्स पर मोल। तो इसको इससे डिवाइड किया तो इसके भी हमने ग्राम एटम्स बना लिए हैं ये। अब इन तीनों के हम रेशियोज फाइंड करने के लिए लिख लेते हैं यहाँ पे। कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन। तो ये कार्बन का लिख दिया, हाइड्रोजन का लिख दिया, ऑक्सीजन का लिख दिया। अब हम इसमें करना ये चाह रहे हैं कि हमें होल नंबर मिल जाए। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो था उससे सबको डिवाइड कर दिया, यानी ये स्मॉलेस्ट नंबर ये है, तो इस नंबर से हमने तमाम नंबर्स को डिवाइड कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं तो अभी भी ये फ्रैक्शन में ही है आंसर, अभी भी होल नंबर में नहीं बना। तो इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि तकरीबन हमें होल नंबर जनरेट हमारे पास हो जाए। तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ऑलमोस्ट हमारे पास सारे के सारे होल नंबर्स आ जाते हैं। तो बस ये फिर जो यहाँ पे रेशो आ गई है ये हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी कार्बन के नीचे 3 लिख देंगे ये वाला, हाइड्रोजन के नीचे 4 और ऑक्सीजन के नीचे 3। तो ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया एस्कॉर्बिक एसिड का। एंड दैट्स इट, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी इख्तिताम पज़ीर हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अगली एग्जांपल्स के साथ, नेक्स्ट एग्जांपल्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।